हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने एक नई रेसिपी लेके आया है जो बिल्कुल हेल्दी है। तो आज हम साबूदाना का खीर बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है। कभी भी आप बना के खा सकते हैं, व्रत में भी चाहे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, घंटी वाले बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो साबूदाना की खीर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, यहाँ पर हमने छोटी वाली साबूदाना ले ली है। बड़ी वाली भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटी वाली बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा कम समय में, तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काजू ले लिए जो बारीक काट लिए हैं, बड़ी वाली भी काजू है, और इसे हम किशमिश ले लिए हैं। तो काजू किशमिश हमने ले लिए हैं। यहाँ पर हमने दूध को उबाल लेते हैं। तो लगभग दूध हमने हाफ के जी लिए हैं। हाफ के जी से बेसी दूध है तो आप अपने अनुसार से बना सकते हैं कम या बेसी में। तो यहाँ पर हमने फुल क्रीम वाले दूध ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। एक उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद में हमने साबूदाना को डाल देना है। तो इस तरह से बनाइए, आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा दूध। साबूदाना खीर बनाते हैं तो दूध भी फट जाता है, तो बिल्कुल नहीं फटेगा। यहाँ पर हमने अच्छे से दूध को उबाल लिए हैं, खौला लिए हैं। तो यहाँ पर हमने साबूदाना डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हम इसको चला लेंगे। इसमें क्या होता है छोटी वाली में कि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जल्दी झटपट बन जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो बना के खा सकते हैं, और व्रत कर रहे हैं उसमें भी बना के खा सकते हैं, और ऐसे भी बना के खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से चला लिए। एक उबाल आ गया है, फिर उसको हम चला देते हैं। इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं, काजू किशमिश बादाम या मखाना हो। तो यहाँ पर हमने एक इलायची को कूट के इसमें हम डाल दिए कि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और इसको अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे। पकाने में लगभग 10 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है पकाने में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा काजू डाल दिए हैं और बारीक किशमिश, काजू जो कटा हुआ था वो डाल दिए हैं, किशमिश डाल दिए हैं। इसको अच्छे तरह से फिर इसको हम चला लेंगे, पका लेंगे। गैस को धीमे रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। तो मीडियम ही गैस में पकाना है इसको। बहुत स्वादिष्ट बनता है खीर। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम अब चीनी डाल देते हैं। तो लगभग चीनी हमने 100 ग्राम के करीब में चीनी डाल दिए हैं। तो 100-150 ग्राम के करीब में हमने साबूदाना ली थी, और 100 ग्राम के करीब में हमने चीनी डाल दी है। सबको अच्छे से हम चला लेंगे। साबूदाना मेरा पक्के अब रेडी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो साबूदाना मेरा पक्के रेडी हो गया है। तो गैस को हमने बंद कर दिए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम कटोरी में आपको निकाल के बता देते हैं। तो बिल्कुल लग रहा है कि चावल का खीर है, साबूदाना खीर नहीं लग रहा, इतना देखने में अच्छा लग रहा है, बना भी बहुत सुंदर है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी होता है, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है खाने में, कभी भी बना के खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा किशमिश डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा काजू डाल दे रहे हैं। अच्छे से अच्छे तरह से इसको गार्निश कर देते हैं। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप चाहे तो मखाना या बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का जरूर ट्राई कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।